जब मैं पुराने की बात कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कि कोई पुराना चीज है उसको एज इट इज ले लिया जाए, पुराने जो सिद्धांत जो आज की तारीख में भी रेलेवेंट है उस पर कोई कैटेगरी होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांशतः आज हमारी जीवन शैली जो बदलती चली आ रही है उस बदलते जीवन शैली का सबसे ज्यादा प्रतिबिंब अगर कहीं दिखता है तो हमारे बिल्ड फॉर्म पे दिखता है। हम वर्नाकुलर आर्किटेक्चर की बात सिर्फ कक्षाओं तक सीमित रख दिए हैं, बड़े नगरीय केंद्रों में चाहे वो विकास मापदंड ऐसे बन गए हों या जमीन की उपलब्धता ऐसी हो गई हो कि हम सब बंद जगहों पर रहे, एनक्लोज्ड एनवलप्स में रहे और सारी सुविधाओं के लिए हम आर्टिफिशियल सर्विसेज पे डिपेंडेंट हो गए। इसको जीवित रखने के लिए अगर इसकी उपयोगिता आप मानते हो तो मेरे हिसाब से तो इसकी उपयोगिता है, तो हमको उसके एक अलग क्लास एक अलग वर्ग में आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि आगे आने वाले भविष्य के आर्किटेक्ट जो भारत के हैं वो जान सके कि हाँ भारत का आर्किटेक्चर ये था। मैं तो सभी सपनों को दुनिया में हमारे राज देता तो वैसे ही पेरिस जैसी सड़कें बनवाते रहते हैं और सिंगापुर जैसी बिल्डिंग बनवाते रहते हैं, उसमें भारत कहाँ है यह देखना। मैं आप लोगों के बीच में और जो मुझे मूल दायित्व दिया गया था उसके बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहूंगा। तो मुझे मूल दायित्व दिया गया था आज की शाम के एक महत्वपूर्ण कड़ी को आप लोगों के सामने लाना, और जैसे जैसे शाम बढ़ती चली जाएगी हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ऐसे हो सकता है नरेश जी ने कई अन्य कड़ियां भी बनाई होंगी।